दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग, हालांकि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो ये हमारे डेली हर चैलेंज का व्लॉग नंबर 118। तो बिना किसी देरी के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अभी रूम से, वृंदावन आए हुए हैं हम। तो थोड़े बहुत का मंदिर अभी कवर कर लेते हैं, क्योंकि 12 बजे तक सारे मंदिर बंद हो जाएंगे, ऐसा हमको पूछने पर भी पता चला है। तो आज हमारे यश ब्रदर का बर्थडे है, तो रात को हमने केक वेक तो सब कटिंग कर लिया, उसका तो कोई व्लॉग में लिया नहीं है नॉर्मली। तो यशु हमारा आगे आगे चल रहा है, वो भी थोड़ा बहुत व्लॉग बना रहा है, बोले कि मैं भी घर के लिए थोड़ा बहुत व्लॉग बना रहा हूँ। तो वो भी व्लॉग बना रहा है, मैं भी व्लॉग बना रहा हूँ। तो चलिए आज जहाँ भी जाएंगे व्लॉग में पूरा कवर करते हैं सब चीज़ों को। तो जल्दी से चलते हैं बॉयज। आज सब ने कुर्ते पहने गाइस, ये यानी और वो दोनों आकाश और ये, आज हम सब कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि शाम को जाएंगे हम इस्कॉन मंदिर। जैसे कल बहुत अच्छे से हम वहाँ पर हमने एंजॉय करा, और आज भी भयंकर तरीके से एंजॉय करेंगे, क्योंकि वहाँ जो मज़े हैं वो कहाँ कहीं भी नहीं है। तो हमने स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम पे, अगर इंस्टाग्राम पे अगर आपको फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दी हुई है, जाके फटाफट फॉलो कर दीजिए और वहाँ पर देख लीजिए हम कहाँ कहाँ घूम के आए हैं, सबकी स्टोरी में डालता रहता हूँ वहाँ पर। तो चलते हैं फटाफट, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं हम दिखाते हैं आपको। गाइस हम गली गली घूम रहे हैं, इस गली वृंदावन गलियाँ, और भाई का हमारे बर्थडे यशु जी का आज, हैप्पी बर्थडे। आओ चल उधर पे स्टोरी में डाल लोगों की, और हमारे अनिल जी और पीछे इधर, ये क्या होता है, किससे वार्तालाप कर रहे हैं। शेम ऑन यू सर अनिल जी, किससे बोली शर्म नहीं आ रही आपको। कहाँ जाना है? वहाँ जाना है द्वारकाधीश, मेरे को द्वारकाधीश छोड़ दो, बस बस यही है। चलो यहाँ पे बंदर हैं, आ गए हैं गाइस, मोबाइल चोरी कर सकते हो, मोबाइल हमको अंदर रखना पड़ेगा। यस अंदर मोबाइल रख ले, थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर के सामने, तो आपको दिखाते हैं प्रेम मंदिर कैसा है। यस इधर प्रेम मंदिर, पहले इसके अंदर चल जाते हैं यहाँ पर, नहीं तो एंट्री में हमारा मोबाइल ले लेंगे, तो अंदर जाके आपसे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं, और अब आपको नज़ारा दिखाते हैं प्रेम मंदिर का। ये प्रेम मंदिर, और इधर क्या शानदार जगह है, आपको दिखाता हूँ पास से थोड़ा सा। देखिए ये अपना प्रेम मंदिर मेन। तो गाइस क्या जगह है यार, चलते गाइस अंदर, शायद पार्ट वर्ट का क्या है, थोड़ा समथिंग पास हो चलते हैं, पहले फोटोशूट करवा लेते हैं, चलते हैं अंदर गाइस। एकदम प्रेम मंदिर के पास से हम देख रहे हैं प्रेम मंदिर को, इतना शानदार लगता है अगर आप सच में देख लो, पूरा वाइट है, भले इसमें कैसा भी आ रहा हो प्योर वाइट है, एकदम प्योर वाइट, एकदम प्योर वाइट दिखता है गाइस। और ये इधर जाना, उधर की साइड है, वो अंदर जाते हैं हम। हर्षित मेरे को बहुत शानदार प्रेम मंदिर के सामने एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो प्यारा सा गार्डन बनाया हुआ है, इसमें गाय और ये चराते हुए अपने गोकुल जी, कृष्ण जी, अपने बलराम जी, इतना प्यारा दृश्य है, इतना सही लग रहा है। और अपने ये प्रेम मंदिर शायद ही आपको दिखे, उधर से दिखा दिया था, धूप आ रही है तो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है गाइस। इधर चलते हैं आगे, और भी चीज़ें हैं, चल 11 बजे का आगे चल, बंद हो गया होगा, उधर भी एक चीज़ है ना, वहाँ भी चलते हैं। दोस्तों अभी हमने जस्ट यहाँ पर जूते उतार दिए हैं, और सामने से दृश्य देखे प्रेम मंदिर का, और ये इतना क्राउड, चलते हैं तो दोस्तों भाग। अरे मेले में तो रुको, तुम्हारी वहाँ आए हूँ, प्रेम मंदिर के अंदर चल रहे ना, वो पहले प्रेम मंदिर के अंदर चल ले। जस्ट लुकिंग लाइक वाव, देख ले ऊपर आगे कोई नहीं, शानदार लग रहा है यार। और अपने ये इधर पहाड़, इसको भी हम आपको बाद में बताएंगे, पहले चलते हैं अंदर, मंदिर बंद हो जाएगा उससे पहले चलते हैं अंदर।
के अंदर गाइस। हाय हाय हाय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय हो। हाय हाय हाय, कहाँ लिखा है? तो दोस्तों हम जस्ट भी प्रेम मंदिर से बाहर आए, वहाँ पर तो हमको वीडियो चलाने का मना कर दिया था, चिल्ला दिया, तो हमने फिर रख दिया मोबाइल को अंदर। और बहुत शानदार है, एक बार आप जरूर आए, बहुत ही शानदार मंदिर है यार, बहुत प्यारा। अभी तो आपको थोड़ी कम ही भीड़ दिख रही होगी, बाकी शाम को अगर आने का हुआ हमारा तो शाम को आपको एक बार और बताएंगे प्रेम मंदिर कि कैसा दृश्य है शाम का। सुबह का तो आपने देख लिया, इतना क्राउड नहीं है सुबह में, बाकी शाम में जगह जगह नहीं रहती खड़े रहने की। कल हम आए थे, बाकी कल हमने वीडियो नहीं बनाया यहाँ का, तो आज शाम को अगर आएंगे तो यहाँ का वीडियो बनाते हैं और थोड़ी फ़ोटो वोटो शूट कर लेते हैं कि घर वालों को दिखाने में आएगा कि हम यहाँ गए थे। तो चलिए थोड़ा फ़ोटो शूट करते फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पर बैठ चुके हैं, चश्मा क्यों लगा? चश्मा उतार, कैसा धूप आ रही है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है यहाँ पर, आँखें ऐसी मिचारी एकदम बंद हो रही, मतलब मिचारी हमारे इधर शब्दों में बोलते हैं मिचारी, आँखें एकदम ऐसी बंद हो रही, बहुत भयंकर रिफ्लेक्शन है यहाँ पर पूरा। देखो ये एकदम ये पूरा वाइट है, आपको बोले अभी नहीं दिख रहा, पूरा वाइट है, और ये पूरा मंदिर ही पूरा वाइट है, इसमें थोड़ा पीला सा दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है, आँखें एकदम दुख सी रही है। ये पीछे वो गोवर्धन पर्वत शायद आपको दिख रहा है कि ये इधर की साइड, ये गोवर्धन पर्वत जो है ना, मुझे आपको वो भी दिखाते हैं, चलते हैं उसके पास, चलते हैं। चप्पल अपल अभी वापस पहन ली है गाइस। अभी हमारे पास एक चैनल वाले अंकल आए थे, चैनल वाले अंकल हमारे पास, अभी एक चैनल वाले अंकल आए थे, उन्होंने हमारी फोटो ली, बोले कि तुम्हारे को हम लोग अच्छे लग रहे हो, पेपर में डालेंगे और उसमें भी डालेंगे, हम बड़े दिल वाले हैं, हम कुर्ते पहने हुए थे इसलिए हमारी फोटोज ली उन्होंने। और चलो आपको एक और चीज बताते हैं, यहाँ पर ये थोड़ी जगह ऐसी कैसी है, इस साइड भी बाके बिहारी ना, बाके बिहारी साढ़े बारह बजे आरती होगी बाके बिहारी में, चलते ना, तीन ही तो है, गाड़ी में बैठ के जाना है, 15 मिनट का रास्ता है मेन ये। हाँ दिख रहा, दिखने दो। जमी तो बोल, देखते नहीं कोई ना, छोड़ो छोड़ो, बाके बिहारी मंदिर जाना है, बाके बिहारी मंदिर जाना है भाई। तो चलिए अभी और चीज़ भी दिखाते हैं आपको, इधर से पर्वत पर्वत दिखाना है तो चले चलते हैं। गाइस अभी हमने थोड़ा बहुत मतलब प्रेम मंदिर घूम लिया, आपको जो पर्वत वर्वत था वो तो हम शाम को वापस आएंगे तो उसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि हमको बाके बिहारी जाना है, तो वो समथिंग 12 बजे बंद हो जाएगा, अभी 11:30 बज गई है, तो हम फटाफट निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं सीधे बाके बिहारी। तो गाइस हम जा रहे हैं यहाँ पर बाके बिहारी मंदिर के लिए, तो हमने भी छोटा मोटा रिक्शा करा हुआ है हम यहाँ, तो ये चलो ये निकल गए हम, बाकी तुम्हें बंद कर दूं फटाफट, ओ मेरा व्लॉग, मेरा व्लॉग इसको चैनल सामने दे दे भाई, जो यस का चैनल लोग क्यों जी चश्मे रख लेना, चश्मे से मत पहनना यार, बाकी देख, अरे कट मार रहा हूं, कट मार रहा हूं नाजिम, अरे मेरे व्लॉग की अम्मा कर रहा है यार, भाई साफ बना दे साफ, ये जाकिर भाई है, ये जाकिर भाई है, ये मोमिन भाई है, रास्ता पानी मतलब नाश्ता पानी उनकी साइड से, जस्ट अभी हमने क्या, चलो ना अभी हम आ गए बाके बिहारी के रास्ते पर, जस्ट अभी हमने दिखाई का लगवाया और हमको थोड़ी भूख लग गई है, ये खाने वाने का बार बार फोन आ रहा था, जिसका ये
खाने का भूख लग रही थी, बाकी हमने खाना नहीं खाया, नाश्ता वास्ता करना था, तो अब समझते हैं अब चलते हैं आगे। क्या मैगी सुबह का खाना हो गया, हमने सबने लगा ली, ठीक है अब चलते हैं बांके बिहारी मंदिर। कपल फुलकार के बांके बिहारी मंदिर में एंट्री ले ली है जस्ट, नेट थोड़े चालू कर लिया है तो थोड़ा लेग मार सकता मोबाइल और थोड़ी आवाज़ भी आ सकती नोटिफिकेशन की, तो माइंड मत करना। ये अपना वृंदावन की गलियाँ, खाने वाने का सोचे क्या है, खाने का क्या नाश्ता सा करना है, अद्भुत अद्भुत अच्छी लग रही राधे, मन मोह लिया था इन गलियों ने कल, इतनी प्यारी है, हटो जरा हटो जरा, बहुत प्यारा प्यारा, हट जाइए हट जाइए, चलो मंदिर बंद जाएगा, फटाफट चलते मंदिर के अंदर। आने वाले की जय जय जय, क्या मोबाइल अंदर रखने का है क्या, राधा राधे 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 राधे, यहाँ खड़ा होना मना है, आओ खड़े ही नहीं हो रहे हम तो, अंदर जा रहे हैं, जगह जग जगह जग जगह जग। तो भाई हम आ चुके हैं बांके बिहारी मंदिर, राधे राधे, मोबाइल नहीं चलाने दे रहे हैं, पुलिस वुलिस वाले भी हैं तो दिक्कत दे रहे हैं थोड़ी बहुत, बाकी फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। क्या हो गया, गए थोड़ा दूर चल रहे हैं, गाइस हमने वीडियो बनाने का मना कर दिया है, ऊपर तक पुलिस वाले देख रहे हैं, फिर भी हमने बना लिया है, दिक्कत दे देगी भाई उल्ली, बना रहे हैं बहुत देख रहे हैं, फिर भी हम बना रहे हैं। तो गाइस अंदर से हम बाहर निकल चुके हैं और मेरे पूरा राधा राधा नाम पूरा मिट चुका है, बहुत गिजाना पिटाना पड़ता है अंदर जाने के लिए, और बाकी जो मजे आए आए हैं बाके बिहारी, क्या भीड़ थी यार, क्या क्राउड, फिर मैंने वीडियो बना लिया, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बनाया बाकी बना लिया, अंदर जाने का वो मना कर दिया तो दो बार चिल्ला दिया, फिर भी मैंने बना लिया। पिछले हम वहाँ कहाँ गए थे, पिछले प्रेम मंदिर गए थे, वहाँ भी चिल्ला दिया था, वहाँ भी बना लिया थोड़ा बहुत, यहाँ भी थोड़ा बहुत बना लिया, ज़्यादा बना नहीं पाया क्योंकि आप देख सकते हो दूसरे का भी वीडियो मिल जाएंगे आपको, मेरे से तो नहीं बना, सॉरी इसके लिए। बाकी अभी और भी जगह जाना है, निधिवन बचा हुआ है, निधिवन और एक दो जगह और है, तो बस निकल रहे हैं हम, बस तो चलते यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और चलते फटाफट निधिवन। दोस्तों हम आ चुके हैं इधर से बाहर का, बंदर भी बहुत सारे हैं, पेड़ों की दुकान, और बंदर बंदर मोबाइल नहीं ले जाए मेरा, तो डर लगता है, अरे वो वहाँ से बोले देख रहे हैं, टारगेट टारगेट बंदर दिख गया हमको, उसको दिखा रहा मैं, तुमको थोड़ी दिखा रहा, तुम काले हो। चलते हैं गाइस यहाँ से बाहर, कि मेरे को डर लगता है कि बंदर बहुत सारी जगह यहाँ से चुरा के ले जाते हैं, तो बाहर निकलते और भाई से लोग कंटिन्यू करेंगे। गाइस मंदिर हम बाहर आ चुके हैं, पहले बंदर का देख लें दो, अब थोड़ा नाश्ता वास्ता किया जा रहा है, चाउमीन बनती है, कैसे बैठे हुए हैं पाँच और छोटी सी दिख रही छोटी सी बेड़िया, चाउमीन गाइस ये बन रही चाउमीन, अगर मस्त लगी तो खाएंगे, बहुत भूख लग रही गाइस बहुत ही ज्यादा, करते हैं वेट जब तक बन जाती है, जब तक वेट करते हैं। पास्ता जितकी अम्बा ले लो, छोटा बंदे वो चप्पल ले आए, दो बंदे सब ले आ गए, वो सब ले आएंगे, हाँ सब ले आना, सब ले आ जा, 20 रुपये लगेंगे, सब उठा लाएगा हाथ से, अरे तुम दोनों जाने, मेरा का दोनों जा रहे हैं, मेरे छोटे मोजे तो ये बन गया है, चप्पल पहना था, टेस्ट करते हैं कैसा लग रहा है। क्या चाउमीन और ये बनाई थी गाइस यार, क्या शानदार बनाई इसने, तो दोस्तों इंस्टा पे स्टोरी डाल रहे हैं।
तुर मेरे से लगा रहा है मेरे से लगा रहा मेरे महावीर पार्टी का 08 ओके आई विल सीन द दिस इज योर स्टोरी स्टोरी लगा देते गाइस थोड़ा बैठे थक गए इधर आ जा रहे जब तक वो ला रहे जूते लाने में करते इनका वेट स्टोरी लगाते जब तक उसके आगे चलते हैं शायद ये गाना लगाओ गाना चेंज करके जाएंगे बता देंगे गाइस हम अंदर आ चुके वापस और यहाँ थोड़ी शॉपिंग चल रही है इससे छोटी नहीं है घर वालों ने थोड़ी सामान बुलाया था तो केसर चंदन ये सब चीज़ें ले रहे हैं हम और मैंने लिए ये दो या तीन चीज़ चंदन लिया सिंदूर और ये लिए हुए हैं और ये थोड़ी बहुत चीज़ें और दिखी यहाँ पर पापा को मैंने अभी फ़ोन लगा के बोला कि पापा के लिए वो लेके जाऊँ क्या उसकी माला चंदन की तो मना कर गए पापा बाकी देखते हैं पापा बोल रहे कि अपने उधर ही मिल जाते हैं यहाँ से लाने से कोई मतलब नहीं टूट टूट आ जाएगी रास्ते में तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा तो हमने कुछ ली नहीं तो किसके बदले हम देख रहे हैं घर वालों के लिए मम्मी के लिए चीज़ें लेके जा रहा हूँ अच्छा लगेगा तो चीज़ देख लेंगे ले लेंगे चलिए बस फटाफट ले लेते हैं और निधि वन निकलते हैं अभी हमने वाकई बिहारी मंदिर के वहाँ से ली अब निकल चुके हैं यहाँ से हम अपना निधि वन के लिए पैदल पैदल जा रहे हैं 1 किलोमीटर के लिए हालांकि सन्नार है इन्होंने भी थोड़ा बहुत सामान लिया है और हमने भी थोड़ी तुलसी की माला ले ली है जस्ट लुकिंग लाइक वाओ तुलसी माला नहीं तो जाने के लिए तुलसी माला इसके अंदर है थोड़ा पकड़ू मैं मोबाइल मैं पकड़ू कैमरा नहीं सर कैमरा पकड़ू क्या नहीं सर सर इनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देख लो मैं तो इनके पक्ष में ही नहीं हूँ तुम देख लो इनको संभाल लो पहले बहुत दूर जाना है पैदल पैदल चलते रहते हैं निधिवन पूछते हैं और निधिवन में ही कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम आ चुके हैं निधिवन आ चुके हैं निधिवन का गेट साइड मार जाते हैं चलो फटाफट रुकना थोड़ा 2 मिनट ये अपना निधिवन अंदर जाना है चलिए फटाफट चलते हैं अंदर चप्पलों की फनकार और ये हमारे कुत्ते जी यहाँ पर सोए हुए हैं निधिवन ये अपनी माटी आ गए हैं उधर ये थोड़ा बहुत ये लगे हुए हैं चलते आपको इंटर बताते हैं क्या चीज़ ऐसी चलिए गाइस एकदम ब्रजवासी हो गए हैं नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी हमारे उपाध्यक्ष जी ने सह मंत्री जी हम कार्यकर्ता हैं कि हमारे वाके बिहारी सब्सक्राइब मोनेटाइज क्या होता है शेयर करें वो हाल तो देख माटी दिखेगी मजा आ जाएगा ओ बंदर 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 रखो फटाफट सॉरी गाइस हम थोड़ा गलत निधिवन में घुस गए थे मतलब कृष्ण जी के मंदिर को हमने नहीं गलत निधिवन ये निधिवन नहीं है अरे ये ले आया ना गलत जगह हमको कृष्ण जी के मंदिर को निधिवन बोल रहा निधिवन शायद उस साइड पे है चलते हैं अब उस साइड पे मतलब ये दिस साइड ये गली जाती है उधर 50 मीटर का बोला और गलत जगह घुस गए दादी आगे नहीं निकलने दे रही है चलिए बहुत भीड़ है यहाँ पर फटाफट चलते हुए धीरे धीरे उधर जाना है गली गली शहर कितनी भीड़ है भाई मेरा मोबाइल देख के चलना निधिवन में हम ही गाइड बनेंगे अब बहुत गाइड कर लिए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए दिस इज अ निधिवन गेट ये आ गया है निधिवन गेट अपना चलते हैं अंदर तो मोबाइल अंदर है मेरा सीन भागा अंदर हम आ गए हैं
हाय 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 हाय, ये है निधि भाई, ये है वन दन 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 दन। चलो आगे, चलो 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 आगे आओ, इधर आओ। एक मंदिर थोड़ा सा आगे हो जाए तो आपको चीजें बता देते हैं। ये है वन, ये है निधि वन अपना पूरा, बहुत बड़ा है वन यहाँ पर, इतना शानदार चीज़ है। इसका रहस्य तो हमको नहीं पता गाइस, अगर कुछ गलत बोल देंगे फिर आप कमेंट में बोलोगे, इसलिए हमको पता ही नहीं है सीधी सी बात। और इतना बड़ा वन, पूरा गोल गोल, बहुत बड़ा है यहाँ से वहाँ तक। और चलते हैं, देखते हैं आगे। क्यों रे, वो धूल माटी यहीं खेलते ना? हाँ यही है, अलग है, रमणीति अलग है। चलो रमणीति अलग है, तो चलते हैं थोड़ा आगे, और भी चीज़ें बताते हैं। आ चुके निधि वन के बाहर गाइस, क्या पता क्या वार्तालाप चल रही है। उसकी आवाज़ एकदम लड़कों जैसी है, भयंकर बड़े वालों। मेरे को लगा कि बच्चा हो, मैंने पहली बार देख लिया था उसको। 16 विंग और सिंगार ले आइए, ये चूतिया बना रही, बालक बिठा दिया, आवाज तो बड़े की निकाल रहा है, आवाज बड़े की निकाल रहा है, निकाल रहा है। आराम से चलिए, अब देखते बाहर निकल के कहाँ जा रहे हैं। हम निकल चुके हैं यहाँ से, हम रमन रेड्डी जा रहे हैं। तो पान वन फटा दिया मुंह में, ट्रेन से आवाज आ रही, और डीट वन भक्ति। हार दूंगा, भक्त चल रही, फुल एंजॉयमेंट। हो गया हो गया, इसको क्या हो गया भाई, रमन डेडी चलते हैं। जल्दी बताओ जो जाने वहाँ। ओ गाइस, यहाँ भंडारे फटाफट में बोल देता हूँ, क्योंकि रमन रेड्डी जाने वाले थे। रमन रेड्डी यहाँ से गोकुल में है, और हम अभी वृंदावन में हैं, तो गोकुल नहीं जा पाएंगे, तो रमन रेड्डी कैंसिल हो गया है हमारा। अब देखते हैं, जो भी जगह हमको मिलेगी वहाँ हम चल लेंगे, और आपको अगले पार्ट बता देंगे, ठीक है। तो गाइस, हम देख चुके हैं टेम्पो में, और हम चले भक्तनाथ के मंदिर, 4 किलोमीटर है। दिस वन हमारे पंडितानंद यस जी और पंडितानंद हर्ष जी मुल्ले। दंगे हो रहे। आप जिस मंदिर में ले जा रहे हो, मंदिर तो बंद है, तो क्या कुछ चर्चा कर ले क्या? क्या हाँ, तो आपने बात करी ना उपाध्यक्ष और अध्यक्ष से, बात करी है, समय देख लीजिए क्या करना। बंद में चलो, चलो बंद में, चलो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बंद बंद निकला था, पैसे नहीं। अनिरुद्ध जी क्या चल रहे हो? इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर के पास, ठीक है चलो भैया। कौन सा मंदिर बोला था? हम जा रहे हैं, नहीं रे वो पहले इसके पहले गोरी गोपाल रंगनाथ मंदिर जा रहे थे, वो तो कैंसिल हो गया। गोरी गोपाल मंदिर जा रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य के यहाँ पे खाना खाने के लिए, दूसरे टेम्पू में समझ लो, खाना खाने दर्शन करने जा रहे हैं, भोजन करने जा रहे हैं। किसके पास जाने वाले थे? किसी वजह प्रेमानंद, तो काफी थोड़ी ना, सुबह के 3 बजे खुलता वो, 3 बजे जाते हैं वो। मेरी बात आश्रम तो उनका भी चलता होगा, वो पूछ लेंगे ना अपन, 3 बजे यात्रा पे निकलते हैं। अपन चलते हैं गोरी गोपाल मंदिर, हम आ चुके हैं गोरी गोपाल आश्रम, अनिरुद्धाचार्य महाराज जिनके दर्शन पहले कर, उनका आश्रम बन रहा है ये। अपन को मिल के खाना खाना है। अरे यार भैया, कहाँ चलना भैया बता दो हमको।
भर्ती होना अपन को भर्ती कहाँ जाना है थोड़ा भेंट तो दिए तो वृद्धाश्रम गया है मंदिर घूमने के लिए मंदिर जाना कहीं घूमने के लिए मंदिर का ये तो गोली गोपाल है कहाँ है मंदिर का है यहाँ कथा चल रही है चलो कथा चल रही है चलो कथा हम चलो कथा कथा चलो कथा हो के आते हैं तो गाइस हम खाना खाने आ चुके हैं यही वहाँ उड़ जाएंगे ना क्या दिक्कत आ रही है गाइस यहाँ पर हम यहाँ खाना वाना खा रहे हैं इतनी सारी भीड़ देख लीजिए सब भोजन प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर अपन खाना खा लेते हैं फिर वो कंटिन्यू गाइस हम आ चुके हैं रूम पे तो बस इससे बड़ा व्लॉग तो मैं नहीं बना सकता क्योंकि 25 से 26 मिनट का ये व्लॉग बन गया है कि मैं बहुत सारे मतलब चार दिन से यहाँ हूँ चार दिन से मिले समथिंग ऐसी व्लॉग बना रहा हूँ मतलब 20 मिनट 21 मिनट 17 मिनट 16 मिनट तो कुछ व्यू आ नहीं रहे बाकी ठीक है मेरे को तो वीडियोज़ बनाने से मतलब है मैं तो वीडियो बनाऊँगा अच्छा अच्छा कॉन्टेंट दे रहा हूँ तो अभी हम प्रेम मंदिर में सारा घूम लिया रात को जाने का है बाकी रात का व्लॉग बना नहीं पाऊँगा मैं ढंग से क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मोबाइल चोरी होने का डर है दोस्तों को कोई भरोसा नहीं है किसी का मतलब वहाँ पे किसी का भरोसा नहीं है चोरी हो सकता है मोबाइल इसलिए मैं मोबाइल नहीं चलाना चाहता वहाँ पर तो और अब कोई कहीं भी नहीं जा रहे हैं आप मस्त शाम को जाएंगे इस्कॉन मंदिर मस्त मस्ती करेंगे इस्कॉन मंदिर आपको नहीं बताया शायद इस्कॉन मंदिर का मैं ब्लॉग कल वाले इसमें या फिर शाम को जाएंगे वो ऐड कर दूंगा कल वाले ब्लॉग में तो उसकी चिंता मत करना ठीक है तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जब तक के लिए जय श्री राम।